विदुर पांडवों के पास आता है चौसर खेल के लिए, उनको न्योता देने के लिए। और हस्तिनापुर में पांडव अपने परिवार के साथ वहां पर आ जाते हैं। जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को पता चलता है कि पांडव आ गए हैं, तो महल से थोड़ी दूरी पर ही उनके लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था कर देते हैं। और फिर दूसरे दिन शकुनी वहां पर जाता है और कहता है कि चौसर खेल खेलने के लिए जो पंडाल है वो तैयार है, चलो दो दो हाथ खेल लेते हैं। इस पर युधिष्ठिर जो है वो कहता है कि चौसर का खेल खेलना अच्छी बात नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि क्या बात है, तुम डर गए हो खेलने से। उसके बाद युधिष्ठिर कहता है नहीं चलो। तो उसने कहा कि खेलेगा कौन? तो उसने कहा, दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो खेल के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है, जिसको खेलना है वो ही खेलते हैं। तो दुर्योधन ने कहा फिर मैं खेलने का तुम बहाना बना रहे हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि चलो ठीक है खेलते हैं, लेकिन बेटा युधिष्ठिर के मन में खेलने की नहीं है, उसको जबरदस्ती उकसाया जा रहा है खेलने के लिए, ठीक है। और बेटा उसने विदुर का धृतराष्ट्र द्वारा जो विदुर ने निमंत्रण भेजा था खेलने का, तो वो इसलिए नहीं ठुकरा पाया क्योंकि राजा के द्वारा जब इस प्रकार के निमंत्रण आते हैं तो उनको मना नहीं किया जाता, क्योंकि अगर मना कर दिया जाता है तो जो जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसका अपमान समझा जाता है। तो इस वजह से युधिष्ठिर ने इसके लिए हाँ की थी, ठीक है। उसके बाद बेटा वो खेलते हैं, तो जो पहली बाजी जो लगती है, ये खेल होता है बेटा शुरू शकुनी और युधिष्ठिर में दोनों खेलते हैं। शकुनी खेलता है दुर्योधन की जगह, ठीक है, और शकुनी कौन है? दुर्योधन का मामा। फिर पहली बाजी लगती है, उसमें लगता है बेटा पहले जो खेल होते हैं चौसर का खेल क्या है, शतरंज का खेल है, ठीक है। जो आज के टाइम में जिसको बोलते हैं शतरंज, उसको पहले टाइम में चौसर बोलते थे। तो बेटा पहले टाइम में जब चौसर खेलते थे तो जो एक बाजी जो हारता था तो उसको उसके बदले में कुछ देना पड़ता था, मतलब कि जुए की तरह खेल को खेला जाता था। वैसे बेटा अगर किसी भी खेल को अगर हम जुए की तरह खेलते हैं तो वो खेल खेल नहीं रह जाता, ठीक है। तो उस टाइम में जो सका खेल खेलते थे तो जो हारता था उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता था, मतलब कि दांव पर रखना पड़ता था। तो ये चौसर के खेल शकुनी और युधिष्ठिर के बीच में हुआ था, और जो पहली बाजी थी बेटा वो रथों की लगी थी, ठीक है, और उसके बाद हाथी घोड़ों की लगी थी, रथों की लगी थी। और फिर धीरे धीरे करके जो उनके पास रतन थे, उनके पास जो पशु थे, उनके पास लगा दिए थे, और युधिष्ठिर एक भी बाजी नहीं जीत पाया, तो उसने धीरे धीरे करके सभी को दांव पर लगा दिया था। उसने अपने पांच जो उसके जो भाई हैं उनको भी दांव पर लगा दिया था, ठीक है। अर्जुन भी, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर तो खेल ही रहा था। तो लास्ट में जब वो चारों भाइयों को ही उसने दांव पर लगा दिया तो उसने कहा कि अब मैं स्वयं को भी दांव पर लगाता हूं। तो पांचों पांडव दांव पर लग गए थे, और इसमें भी मतलब कि वो बाजी युधिष्ठिर नहीं जीत पाया, ठीक है। उसके बाद दुर्योधन बहुत ही खुश होता है और सभा में खड़ा होकर कहता है कि अब ये जो पांचों पांडव है मेरे गुलाम है। तो उधर शकुनी भी बहुत ही खुश होता है, कहता है अगर तुम्हारे पास एक चीज और बची है, अगर तुम उसको भी दांव पर लगा दो तो हो सकता है तुम वो बाजी जीत जाओ। तो उसने कहा, शकुनी ने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है
इस प्रकार और वो तभी उसके ऐसे दशा देखकर जो धृतराष्ट्र का एक पुत्र है विनम्र, वो कहता है उसके ऐसे दशा देखकर, किसकी ऐसी दशा देखकर, द्रौपदी की इस प्रकार की दशा देखकर उसको बड़ा ही दुख होता है और सभा में खड़ा होकर कहता है कि ये सब कुछ अनुचित है। ठीक है, पांडवों को जाल में फंसाया जा रहा था, फंसाया गया है, युधिष्ठिर को उकसा उकसा कर बाजी लगाई गई है और वो कहता है कि युधिष्ठिर स्वयं जोसत के खेल में हार गया, दाव पर खुद लग गया, तो उसको कोई हक नहीं बनता कि वो द्रौपदी को दाव पर लगाए। और द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, पांचों पांडवों की पत्नी को दाव पर लगाए। तो ये सुनकर सभा में मतलब सब कहने लगते हैं कि हाँ, मतलब आपस में बातें होने लगती है कि बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब कि हलचल से मच जाती है। उसके बाद करण खड़ा होता है और कहता है, कर्ण तुम अभी बच्चे हो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, फैसले लेने वाले बड़े बैठे हैं, तुम बैठ जाओ। और वो बैठ जाता है। उसके बाद जो दुशासन होता है, दुशासन कौन है बेटा? धृतराष्ट्र का पुत्र है और दुर्योधन का भाई है। वो द्रौपदी के जो वस्त्र है उनको खींचने लगता है, लेकिन उसकी साड़ी को खींचते हैं तो साड़ी इतनी बड़ी हो जाती है कि दुशासन के जो बाजू है, हाथ है, वो दुखने लग जाते हैं, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं होती। उसके बाद ये देखकर भीम को बड़ा ही क्रोध आता है और वो कहता है, भरी सभा में वो शपथ लेता है, कसम खाता है कि जब तक मैं दुशासन की छाती को नहीं चीर देता, तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का वचन सुनकर, इस प्रकार की उसकी शपथ है उसको सुनकर सभा में वो भय का वातावरण हो गया, मतलब कि सब डर गए और धृतराष्ट्र की स्थिति को समझ गए। और उसने कहा कि बेटा, पहले तो उसने सबसे पहले द्रौपदी को शांत किया, अपने पास बुलाया, प्यार से उसको समझाया। उसके बाद उसने युधिष्ठिर और पांडव को बुलाकर शांत किया और प्यार से समझाया और कहा कि बेटा, तुम इंद्रप्रस्थ में वहीं पर ही रहो और आराम से रहो, जो तुमने चौसर के खेल में से कुछ भी हारा है वापिस तुम्हें मिल जाएगी सारी चीजें। और इस प्रकार की बातें सुनकर पांडव शांत होते हैं और इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। लेकिन दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आता है, शकुनी दुशासन को, इनको सबको बहुत ही गुस्सा आता है कि हमने उनको इतनी अच्छी तरह जाल में फंसाया था और वो सारे हमारे गुलाम हो गए थे, और अपने पिता के ऊपर सारा क्रोध निकालता है और वो फिर दोबारे अपने पिता धृतराष्ट्र को मजबूर करता है कि फिर दोबारे पांडवों को बुलाया जाए और फिर दोबारे चौसर का खेल खेला जाए। और उनको फिर दोबारे बुलाया जाता है बेटा चौसर के खेल के लिए, लेकिन युधिष्ठिर क्या करे, फिर दोबारे निमंत्रण आया था तो निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता था। वो फिर दोबारे हस्तिनापुर में उसने चौसर का खेल खेला, लेकिन अगली बार चौसर के खेल के शर्त क्या थी कि जो भी चौसर के खेल में हार जाएगा वो 12 वर्ष वनवास करेगा तथा 1 वर्ष अज्ञातवास करेगा। अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मतलब कि 1 वर्ष में वो किसी को भी दिखाई नहीं देने चाहिए। दिखाई देने का मतलब है कि हमारे हस्तिनापुर के आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए, अगर हमें हमारे हस्तिनापुरवासी को अगर वो दिखाई भी दे गए तो फिर दोबारे से 12 वर्ष का वनवास करेंगे। तो इस प्रकार की ये शर्त रखी गई और इसमें फिर दोबारे पांडव हार गए थे और उनको वनवास मिला था। ठीक है बेटा, इस लेसन में इतना ही।